हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। सभी अभ्यर्थियों का एक ही प्रश्न है कि थर्ड फेज का काउंसलिंग कब होगा तथा नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। सबसे अहम प्रश्न ये कि थर्ड फेज का जो काउंसलिंग होगा वो कब होगा, और जिनका काउंसलिंग वो फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज हो, जिनका काउंसलिंग हो चुका है उन्हें नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। आज हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र सर, तो राजेंद्र सर से बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो वीडियो होगा वो आपका एज अ इंटरव्यू जैसा होगा और लास्ट में जो होगा वो कंक्लूजन होगा, और लास्ट का जो भाग होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज के इस वीडियो में। बहुत सारे चीज क्लियर होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट वाला जो भाग है वो जरूर देख के जाइएगा। ये पहले मैं स्टार्टिंग में कह दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम राजेंद्र सर का वेलकम करते हैं। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर आप जानते हैं कि सेकंड फेज का काउंसलिंग समाप्त हो चुका है, कुछ मामले ऐसे भी आ रहे हैं कि बहुत जगह का जो चयनित सूची है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ जगह का मामला ऐसा है, तो इस सारे बातों को लेके आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कल आप सचिवालय गए थे, सचिवालय में अहम मुद्दा था आपका थर्ड फेज का काउंसलिंग कब हो, इसके अतिरिक्त जो सीट है सीट कैसे भरा जाए, बहुत सारे सीट हैं, सारे सीटों पे काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, इसके अतिरिक्त आपका नियुक्ति पत्र से भी संबंधित प्रश्न था। इन सारे मुद्दों पे जो बातचीत हुआ उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। सबसे पहले मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं, और साथ में जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिन अभ्यर्थियों का चयन अभी तक नहीं हुआ है और वो काफी परेशान हैं, उनकी परेशानी को मैं बहुत ही नजदीक से देख रहा हूं, और उन भाइयों को मैं उनके लिए भी काम कर रहा हूं, रात दिन काम कर रहा हूं, कोशिश में है कि उनका भी जल्द से जल्द तृतीय चरण की नियुक्ति हो, काउंसलिंग हो और नियुक्ति भी हो, और उनको काफी हम अहम मुद्दा मान करके चल रहे हैं, और उनको बहुत बहुत हम शुभकामना भी देना चाहते हैं ताकि आप लोग का भी सिलेक्शन हो और हम लोग मिल बैठ करके अपनी खुशी को बांटेंगे। कल जो है सचिवालय में हम लोग गए, क्योंकि काफी हमारे जो भी बिहार के जो भाई बहन हैं काफी परेशान हैं, जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, और वो तीसरे चरण की जो काउंसलिंग के डेट के लिए और जो सीट रिक्तियां रह गई हैं उन पर पूरी रिक्तियों को भरने के लिए वो हम लोगों को लगातार संपर्क में है और हमेशा कॉल के द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं। इन सारी मुद्दा को लेकर के और नियुक्ति पत्र का जो नियुक्ति पत्र कब मिलेगा और नियुक्ति पत्र को मिलने के बाद सर्टिफिकेट के जांच कब हो, कैसे हो, ये सारी मुद्दा हम लोगों के सामने थी, और इन सारी मुद्दा को हम लोग लिखिबद्ध करके हम लोग कल प्राथमिक शिक्षा जो डायरेक्टर है माननीय श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह से जाकर के हम लोगों ने मुलाकात की। उसमें एक चीज और था कि जो 2019 के जो 5 जुलाई को जो नोटिफिकेशन निकला था बहाली को लेकर के, जो 94,000 बहाली को लेकर के, उसकी मूल प्रति जो मूल जो हमारा नोटिफिकेशन था 5 जुलाई 2019 का, उसकी भी 6 प्रति उसमें हम लोगों ने लगाया था, और उसमें एक बहुत ही अहम बात लिखित रूप से दिया हुआ है कि उसमें जो नियुक्ति जो होगी तो नियुक्ति काउंसलिंग के बाद में उनको नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद सर्टिफिकेट का जांच किया जाए, ये लिखा हुआ उसमें है, तो इसको भी हम लोगों ने संलग्न किया था। और सारी मुद्दा को लेकर के जब हम लोग गए डायरेक्टर साहब के पास में, तो डायरेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने उनको चूंकि ये बताया भी गया कि सब तीसरे चरण की जो काउंसलिंग का डेट है वो कब आप दे रहे हैं, कब जारी कर रहे हैं, और सीट जो रिक्तियां रह गई हैं उन रिक्तियों को कैसे आप भरेंगे और उसको कौन सा आधार बनाए हैं, क्योंकि बहुत से सीट रिक्त रह गए हैं तो कैसे भरेंगे, ये सब मुद्दा था। और फिर हम लोग का मुद्दा था कि नियुक्ति पत्र कब देंगे जो प्रथम और द्वितीय चरण में जो जिनका चयन हो चुका है, और चयन होने के बाद में उनका NIC पोर्टल पर अपलोड भी हो गया तो उनको आप नियुक्ति पत्र कब देंगे, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों का था, और हम लोगों ने एक एक करके उनसे बातचीत की। तो उन्होंने ये कहा कि सर राजेंद्र बाबू, देखिए इसमें बात ये है कि जो आप हमारे पास जो भी समस्या या जो भी मांग या डिमांड जो आप हमारे सामने रख रहे हैं
बहुत तरह के जो हमारे पास मांग आ रहे हैं आवेदन के लिए भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा दिया जा रहा है लगातार, उन सारे आवेदन को हमने संलग्न किया है, एक साथ उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया है, एक फाइल बनाया है और उसमें जो मीटिंग हम लोगों की विभाग की मीटिंग होने वाली है जिसमें समीक्षा बैठक होगी उसमें उन सारे मुद्दा पर चर्चा करेंगे। उसमें प्रधान सचिव भी रहेंगे, शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी भी रहेंगे, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर और भी जो शिक्षा विभाग के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो सभी लोग बैठ करके उस पर समीक्षा करेंगे कि इसमें कैसे हम लोग करें और कब हम इसका डेट इशू करें, जो तृतीय चरण की जो काउंसलिंग के डेट कब हम लोग जारी करें और जितनी सीट रिक्तियां रह गई हैं उनको कैसे भरें, इन सारे मुद्दा पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ही हम आपका प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। हमने कहा कि सर ये जो डेट जो है आप कब दे रहे हैं, जो तृतीय चरण का जो काउंसलिंग का जो डेट है उसको कब जारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसके बारे में स्पष्ट हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब तक हमारी बैठक नहीं होगी, समीक्षा बैठक होगी, सभी लोगों का मिलकर के हम लोग इस पर बात करेंगे तब तय होगा। इस पर हम जवाब आपको नहीं दे पाएंगे कि कब हम करेंगे, डेट हम क्लियर नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात है कि उन्होंने ये कहा कि जहां तक खाली रिक्तियां रह गई है तो खाली रिक्तियों के लिए हम लोगों ने, हमारा विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर जो प्रभात कुमार पंकज जी, माननीय प्रभात कुमार पंकज जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और पूरे जहां पर जहां ज्यादा से ज्यादा सीट खाली रह गए हैं और जहां पर रद्द हुई है वहां पर वो डायरेक्ट वहां जा करके नियोजन इकाई से बात करेंगे और उनसे ये बात पता लगाएंगे कि आखिर इतनी सीट रिक्त क्यों रह गए और क्या यहाँ धांधली भी हुई है, उन सारी चीजों को पता लगा करके और उसका रिपोर्ट जो है वो हम लोगों के पास आएगा और उस रिपोर्ट को और आपके डिमांड को और जो भिन्न भिन्न तरह के आवेदन में जो आपका मांग पत्र है उस सारी चीजों को एक जगह रख करके हम लोग समीक्षा करेंगे, तब जाकर के हम लोग क्लियर कंक्लूजन बता पाएंगे कि हम कब काउंसलिंग का डेट जारी कर रहे हैं। और चूंकि ये तो निश्चित है, इसमें बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है, हमारे अभ्यर्थी काफी परेशान है कि पता नहीं तीसरे चरण का काउंसलिंग का डेट होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी, उसको ब्रह्मा नहीं रोक पाएंगे, ये 100% है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग ये लास्ट काउंसलिंग होगी, जो छठे चरण की बहाली की 94,000 बहाली की तीसरे चरण की काउंसलिंग ये अंतिम काउंसलिंग होगी, उसके बाद काउंसलिंग नहीं होगी। उसमें अगर सीट बच भी जाएंगे तो उसको सातवें चरण में एडजस्ट करके सातवें चरण का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, तो ये तो निश्चित है कि तीसरे चरण की होगी। और सीट रिक्तियां जो है वो रिक्तियों के बारे में भी आप लोगों को मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि रिक्तियां, चूंकि रिक्तियां स्पष्ट है कि जितनी भी रिक्तियां बच जाएंगी सारे रिक्तियों पर काउंसलिंग होगी। अब वो काउंसलिंग का तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे, आरक्षण का जो मामला, ये सब जो कैसे करेंगे वो विभाग के ऊपर निर्भर करता है। हम लोगों ने सारी मैटर को लिख करके दे दिया है, बोल भी दिया हूं, अब उस पर विभाग अपना निर्णय लेगा। जो नियमता जो आरक्षण का नियम का पालन करते हुए जिससे कि बहाली बाधित नहीं हो, बहाली रद्द नहीं हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और उस पर निर्णय लिया जाएगा, उसके अनुसार किया जाए। लेकिन एक तो क्लियर है कि जितनी भी रिक्तियां बच गई हैं उस सारी रिक्तियों पर काउंसलिंग होगी, तो ये बहुत हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। और उसके बाद में जहां तक नियुक्ति पत्र का प्रश्न है, तो नियुक्ति पत्र के लिए हमारे बहुत से प्रथम और द्वितीय चरण में जो भी हमारे भाई बहन चयनित हुए हैं वो काफी परेशान है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, उसके बाद सर्टिफिकेट का वेरीफाई किया जाए, उसके बाद हमारा वेतन हो या आगे की प्रक्रिया की जाए। तो मैं उसके बारे में भी स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि जो विभाग के जो बातचीत से मनसा लगा, जो बहुत से हमने पदाधिकारियों से भी बात किया, वहां जो असिस्टेंट है, डीलिंग असिस्टेंट है वहां विभाग के, प्राथमिक शिक्षा विभाग के, उनसे भी हम लोगों ने बात की जाकर के, और सारी बातों का कंक्लूजन हमें यही समझ में आया कि ये सर्टिफिकेट का वेरीफाई करने के पश्चात ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यह स्पष्ट है। क्योंकि सभी एक आदमी से हम लोगों ने बात नहीं की, काफी लोगों से हम लोग वहां शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हो, जो वहां के जो डीलिंग असिस्टेंट हो, जो इन सारे नियम कानून को बनाने वाले हैं, नियम कानून पर फाइल को तैयार करते हैं, सारे लोगों से हम लोगों ने बात की और वह स्पष्ट समझ में ये आया कि नियुक्ति पत्र जो है वेरीफाई, सर्टिफिकेट वेरीफाई के पश्चात ही मिलेगी। अब उसमें कितना टाइम लगेगा
और कितना क्या होगा वो हम आगे की वीडियो में भी आपको जब सवाल पूछा जाएगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी तक का जो अपडेट सचिवालय का यही है। और उसमें हम लोग प्रधान सचिव से भी मिलने का प्रयास किया, वहां भी गए तो चूंकि वो प्रधान सचिव काफी व्यस्त थे, उनके जो पीए साहब से भी हमने बात की और अपना नाम और अपने जो मैंने लिख करके दिया और वहां पर संजय सर के पास वो ले जा करके दिए, लेकिन संजय सर ने कहा कि आज काफी मेरे व्यस्तता है, आज हम नहीं मिल पाएंगे, उन प्रधान सचिव हम लोगों से नहीं मिल पाए। फिर हम लोगों ने सोचा कि शिक्षा मंत्री से भी मिले, तो शिक्षा मंत्री से भी हम लोगों ने जाकर के मिलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर चूंकि दो चैनल वाले थे, जी न्यूज वाले और एक और चैनल वाले, उनका इंटरव्यू ले रहे थे इसी मुद्दा पर, वो भी काफी इंटरव्यू लिया गया है। और उसमें भी जो चैनल वाले हैं, जो उनका कहना था कि सर आपने तो बोला था कि 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र हम दे देंगे, तो और स्कूल में झंडोत्तोलन करेंगे हमारे जो नए शिक्षक होंगे, तो क्या सर आपका तो बात सही नहीं निकला, आपने 15 अगस्त का टाइम भी दिया था, तो क्या हम लोग ऐसे ही, हम लोग जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, क्या अभ्यर्थी ऐसे ही रोड पर घूमेंगे? तो शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि नहीं, अक्टूबर तक हम जो है इसको नियुक्ति पत्र जरूर देंगे। तो जो हमारे चैनल वाले जो भी भाई जी न्यूज वाले गए थे, एक और भी चैनल वाले थे, चूंकि चैनल का चूंकि हमको नाम आज भी स्पष्ट याद नहीं है, एक और भी दो आदमी का इंटरव्यू हुआ था, दो चैनल वाले जाकर के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन जो शिक्षा मंत्री के आदेश के बगैर वो न्यूज पर शायद नहीं चलाने का हुआ है, शायद नहीं चला हो, लेकिन वो बोले थे कि हम जब कहेंगे तब आप न्यूज पर चलाएंगे, तो हो सकता है कि कहीं मना कर दिए हो, नहीं चला हो, लेकिन ये तो शिक्षा मंत्री जो न्यूज वाले थे, जी न्यूज वाले, उनके द्वारा हमें पता चला कि जो नियुक्ति पत्र है वो अक्टूबर में देंगे, शिक्षा मंत्री का कहना है। तो अब इसमें बहुत तरह की बातें सामने आ रही है, बहुत तरह की चीजों को हम लोगों ने अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी हम स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, प्रधान सचिव के पास समय नहीं हम लोगों से मिलने के लिए, और शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है कि हम अक्टूबर तक हर हालत में, जबकि न्यूज वाले ये स्पष्ट रूप से बोल रहे थे कि सर आप स्पष्ट बताइए कि क्या आप देंगे कि नहीं देंगे, अगर नहीं देना वो भी बताइए, लेकिन नहीं हम अक्टूबर में उन लोग को देंगे, अक्टूबर से हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, हर हालत में अक्टूबर में, ये शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था। और बाकी जो प्रश्न थे, जो काउंसिलिंग का डेट है, ये है उन चीजों को अब वो लोग इंटरव्यू में पूछ पाए कि नहीं पूछ पाए ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जहां तक हमें प्रश्न लग रहा है कि डायरेक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो समीक्षा बैठक होने के बाद ही इस पर डेट पर क्लियर होगा कि कब तक इसकी तीसरे चरण की काउंसिलिंग का डेट जारी होगा। तो ये था, उसके बाद में फिर हम लोगों ने चूंकि हमें मना किया गया है नाम लेने से, लेकिन आप खुद इशारों उन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे सर, उन बातों पे। जी जी बिल्कुल। फिलहाल जो बातचीत अभी तक हुआ उसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल गया, ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज की अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट नहीं है कि तीसरे चरण का काउंसलिंग कब होगा। दूसरा चीज, जैसे इंटरव्यू में हुआ कि अक्टूबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र, तो आप जानते हैं कि तीसरा चरण के बाद आपका नियुक्ति पत्र मिलने का आसार दिख रहा है, लेकिन ये संभव कैसे है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। आप प्रश्न के माध्यम से आप उत्तर दीजिएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। इसके बाद आवेदन जितने आप लोगों ने दिए हैं उसका समीक्षा चल रहा, रिक्ति पे भी बातचीत होगा कि क्यों इतना रिक्त रह गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीजों को लेके अभी समीक्षा होगा, समीक्षा बैठक किया जाएगा, सारे लोग रहेंगे वहां पे बैठक वगैरह होगा, वो चीज क्लियर होगा अभी आगे कि कैसे करना होगा, कैसे रिक्त सीट भरेंगे। अभी इसमें कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं कि तीसरे चरण में हम भी आ जाएंगे क्योंकि 40,000 सीट रिक्त हो गए। आपको अच्छे तरीके से पता होगा यूआर सीट कहीं नहीं है, यूआर सीट आपको कहीं खाली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी घूम रहे हैं, जितना सीट है उससे ज्यादा तो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। तो इसमें अगर दूसरे भी आना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है, मतलब आप लोग पूछ रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि दूसरे अभ्यर्थी अगर आना चाहते हैं तो मेरे नजर में, आप मतलब आप बेफिक्र रहिए, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो आपके नजर में उचित है तो कीजिए, मैं नहीं रोकता हूं, लेकिन मेरे नजर में ऐसा है अगर कुछ लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, आगे हो सकता है आपका सातवां चरण में आपका निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जो भी सीट बचेंगे ये तीसरा चरण जो होगा लास्ट चरण होगा, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, इसके बाद आप निश्चित रूप से जाएंगे, जब भी होगा काउंसलिंग उसमें आप निश्चित रूप से जाएंगे। अब बात आता है मुद्दा कि तीसरा चरण कंप्लीट कब होगा, कब तीसरा राउंड का जो काउंसलिंग है वो कब होगा।
इसके साथ नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, अब ये मुख्य मुद्दा है। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मिले जो डायरेक्टर थे उनसे मिले, फिर मंत्री जी से मिलने की कोशिश किए, प्रधान सचिव से मिलने की कोशिश कीजिए, लेकिन यहां पे एक चीज बताइए कि 24 अगस्त से आपका नोटिफिकेशन आ जा रहा है इलेक्शन से संबंधित। ध्यान से सुनिएगा, 24 तारीख से इलेक्शन से संबंधित नोटिफिकेशन आने वाला है, ये सभी लोग जानते हैं। और जो इलेक्शन का जो पूरा प्रक्रिया है वो टोटल 11 चरण, पहले पता चलता था कि 10 चरण में होगा, लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि 11 चरण में होगा। उसका लास्ट जो वोटिंग करने का डेट है वो 12 दिसंबर है। आप पूरा देखना चाहें शेड्यूल तो देख सकते हैं, कुछ दिन के पहले के न्यूज़पेपर में आया होगा। 12 दिसंबर तक ये वोटिंग की प्रक्रिया चल रहा, 24 तारीख से आपका आचार संहिता, मैंने जब से शुरू होगा 24 अगस्त से, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। जितना मुखिया है, सचिव है, जो अभी अध्यक्ष वगैरह बने हुए, क्लियरली सुनिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं यहां पे कि पहले से नोटिफिकेशन आउट है उसमें काम होता रहेगा, ये होता रहेगा। एक बात बताइए, मुखिया का चुनाव है और सारे जो उसके अध्यक्ष वगैरह बने उन सारे लोगों का चुनाव है, वो लोग जब प्रक्रिया में आ जाएंगे तो ये बहाली प्रक्रिया मतलब कैसे संभव है? तो यहां पे सर आप हमको स्पष्ट कीजिए कि 12 दिसंबर तक जब चुनाव की प्रक्रिया होगा तो यहां पे आगे का जो प्रोसेस बता रहे हैं कि थर्ड कुछ बताया जा रहा है कि थर्ड फेज का काउंसलिंग अगस्त के लास्ट दिनों तक हो जाएगा, कभी कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, बहुत सारे चीज चल रहे हैं, लेकिन हिंदी क्लब पे कभी आपने देखा नहीं होगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में कभी लिखिएगा भी नहीं कि हमने ये देखा था, कभी हिंदी क्लब ये चीज सपोर्ट नहीं करता। अब यहां पे आप हमको स्पष्ट कीजिए कि क्या ये आपको संभव लगता है दिसंबर से पहले कुछ हो, लगता है तो कैसे लगता है ये भी बताइएगा हमें। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि अगर सरकार चाह ले, सरकार के अगर 100% अगर सरकार चाह ले तो सरकार, क्योंकि ये प्रक्रिया नई प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, ठीक है, ये दो चरण की काउंसलिंग हो चुकी है और तीसरे चरण की काउंसलिंग होने वाली है। तो मैं एक अभ्यर्थी के नाते मैं बोल रहा हूँ, अभ्यर्थी के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ। तो सरकार अगर चाह ले, शिक्षा मंत्री चाह ले, सरकार चाह ले तो इस प्रक्रिया को भी आचार संहिता के दरमियान भी कर सकती है, लेकिन नियमतः जो नियम कहता है, हाँ, नियम पे चलिए सर, नियम जो होता है उसी पे हम लोग चलेंगे। जो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश है, अगर उसको हम लोग जब फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की काउंसलिंग, किसी भी तरह की नियुक्ति पत्र, किसी तरह का प्रमाण पत्र, किसी तरह का जो उससे संबंधित, जो चूंकि ये तो पंचायती राज अधिनियम से जुड़ा हुआ जो ये जो बहाली जो हो रही है पंचायती राज अधिनियम के सर्कुलर के अंतर्गत हो रही है, इसमें मुखिया भी है, प्रमुख भी शामिल है, उसके बाद में जिला स्तर पर जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो भी तो चुनाव पंचायत चुनाव के बाद होते हैं, जो जिला पंचायत के चुनाव होता है उसके द्वारा चुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया से संबंधित है। और हमें लगता है कि अगर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश का फॉलो किया जाए तो ये संभव नहीं लग रहा है सर, क्योंकि मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अंधकार में किसी भी अभ्यर्थी को रखना नहीं चाहता हूँ, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ स्पष्ट बोल रहा हूँ। स्पष्ट तरीके से सर यहाँ हमें समझाइए कि आपको दिसंबर तक, अभी चल रहा है आपका अगस्त, अगस्त से लेकर दिसंबर तक कोई भी काउंसलिंग नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं चूंकि वहां सचिवालय के जो वरिष्ठतम पदाधिकारी के द्वारा विश्वस्त सूत्रों से पक्का रिपोर्ट मुझे मिला है कि आचार संहिता के अवधि में जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक काउंसलिंग भी नहीं हो पाएगी और नहीं नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, जो नियमता जो मुझे पता चला है। तो अब रह गए कि उसमें वो जो हम लोग शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि अक्टूबर में दे देंगे, तो अब अक्टूबर में दे देने की बात कर रहे हैं तो पता नहीं उनका एक अलग लॉजिकल क्या है, नहीं है वो जानते हैं हम सर, तो उनसे बात। नियुक्ति पत्र अक्टूबर में तो मेरे नजर में देखिए मिल जाए, देखिए हम निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको नियुक्ति पत्र सर अक्टूबर में मिल जाए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और मेरी तरफ से पहले ही से बधाई,
लेकिन जो चीज है वो स्पष्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल ये होगा, आगे आप सभी देखेंगे ये चीज होगा। हम ऐसे नहीं है कि हम मतलब ये है आपके सपोर्ट में नहीं है, शुरू से हम लेके चले हैं, बीटेक से लेके चले हैं। इसमें सब कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। मैं बिहार के जो भी तमाम अभ्यर्थी हैं, चाहे जो भी हमारे भाई बहन हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरा एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये बात को स्पष्ट करना मैं उचित समझता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें बहुत तरह की बातें हैं, पहले उस पर हम लोग तर्क कर लें, उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमारे अभ्यर्थी भाई या हम भी चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र जल्द मिल जाए। अब शिक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में, शायद जी न्यूज के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि अक्टूबर में दे देंगे, लेकिन जो नियम है सर, नियमता वो संभव नहीं है कि नियुक्ति पत्र वो आचार संहिता के बीच अवधि में दे सकते हैं, वो नियमता नहीं है। अगर वो किसी तरह के सरकार अगर लेकर के अपने ऊपर रिस्क लेकर के या जो भी करके करना चाहती है वो अलग चीज है, लेकिन नियमता ये नहीं है कि उसमें हो पाएगा, ना काउंसलिंग हो पाएगी और ना ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के पीछे एक और भी कारण क्या है, मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी अभ्यर्थी है, मेरा भी चयन हुआ है, मुझे भी बेचैनी है जिस तरह से सभी अभ्यर्थियों को बेचैनी है, लेकिन जो कुछ चीजें हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, इसको अंधकार में नहीं रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि जो 5 जुलाई 2019 के जो मूल नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ था, इस बात को डायरेक्टर साहब को हमने बताया कि सर ये लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के 24 घंटे के अंदर उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, और उस समय नियोजन पत्र कहा जाता था, वो नियुक्ति पत्र उस समय नहीं कहा जाता था, नियोजन पत्र कहा जाता। इसका नाम चेंज हुआ है, नियोजन नाम चेंज हुआ हाँ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हम आपको बता दें, नियुक्ति पत्र नहीं होता है, ये नियोजन ही होता है, सरकार जिस तरीके से कहे, लेकिन हम इससे नहीं मानते हैं। अब भले सरकार के दबाव के कारण आदमी कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नियुक्ति आप दीजिएगा, आपका सैलरी कुछ और हो जाएगा, उसमें तो अलग। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल, उसमें क्या हुआ है सर कि जो लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, अभी भी वो कोई भी भाई बंधु देख सकते हैं, 2019 के 5 जुलाई का जो मूल नोटिफिकेशन 94 बहाली के, मूल नोटिफिकेशन में जो था सर, रंजीत सर आके उसको चेंज किए थे। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ सर, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था सर कि उसमें जो मूल नोटिफिकेशन को हम लोगों ने डायरेक्टर साहब को बताया कि सर मूल नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के 24 घंटे के अंदर आप नियोजन पत्र कहिए या उसको नियुक्ति पत्र कहिए, अब नियुक्ति पत्र कहा जा रहा है, उसको दे देना है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके तब उनको वेतन वगैरह जो भी आगे की प्रक्रिया करनी है, लिखा हुआ। मैंने उनको बताया भी, और हमारे जो नालंदा के जो अमित कुमार जी ने, उन्होंने इस बात को भी काफी गंभीरता से डायरेक्टर साहब से दिखाया। तो उसमें उनका कहना है कि वो सर बोल रहे हैं कि उसके बगल में एक डिप्टी डायरेक्टर बैठे हुए थे शैलेंद्र कुमार जी, तो वो बैठे हुए थे, वो इस पर भड़क गए वो, और भड़क करके उनको जो है वो डायरेक्टर साहब को कह रहे कि नहीं सर इसमें अमेंडमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, कि नहीं जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेंगे तब तक नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। ये 2020 या 21 में कुछ ऐसा रंजीत सर जब आए थे उसके बाद ये चेंज किए थे, तो रंजीत सर भी किए थे, तो उसी समय बोले भी थे कि ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन समय लगेगा इसमें। बिल्कुल, यानी नियुक्ति पत्र मिलने में आपको समय लगेगा। उसी समय वीडियो में, अभी भी वीडियो चल रहा होगा तो वहाँ पे होगा कि इसके लिए समय लगेगा। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ सर, सारी बातों पर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे अभ्यर्थियों के लिए, इसलिए हमको क्लियर करना जरूरी है। रंजीत सर ने अगर इसमें अमेंडमेंट किया है तो क्यों किया है, मैं इसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। वो हमारे अभ्यर्थियों के हित में ही किया है, और हमें अभी लग रहा है कि रंजीत सर ने कहीं गलत इसमें अमेंडमेंट क्यों कर दिया, नहीं, सर ने जो अमेंडमेंट किया है हमारे हित में ही किया है। हमारे हित में क्यों किया है उसको भी हम लोग जान लें। आपको पता होगा कि 2012 के जो उस समय हम लोगों का जो नियोजन हुआ था या जिनका हुआ होगा, उसमें सालों का दो दो साल अभी तक उसका जांच नहीं हो पाया, 15 साल हो गया। अरे सर, कुछ दिन पहले का लेटर है कि 2016 से समथिंग जो है उनका अपलोड किया जाए, ऐसे करके कुछ। जी जी, अभी तक उसकी पूरी जांच नहीं हो पाई है। पहले बोल लेने दीजिए सर, बीच में मत रुकिए सर, लाइट टूट जाती है। ठीक है सर, बोलिए। उसमें सर मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये प्रश्न उठ रहा है, अभ्यर्थियों लोग कहेंगे कि रंजीत सर क्यों अमेंडमेंट कर दिए, और रंजीत सर अमेंडमेंट इसलिए कर दिए कि जो वेरिफिकेशन में 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल लग जाता था, अभी तक जांच नहीं हो पाई है 2012 के जो, तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए, चूंकि वो उनका व्यू था कि एक ऐसा पोर्टल उन्होंने बनाया
और उस पोर्टल को बनाने के बाद उन्होंने ऐसी सुविधा दे दी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है वो डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग करके अपलोड कर लिया गया है विभाग स्थापना द्वारा। हर एक जिला का डीपीओ कार्यालय में जो स्थापना होता है उसको उसके द्वारा अपलोड किया गया और उसका लिंक जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा या यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा या जो भी बीएड वाले जो कॉलेज है उनको भेज दिया जाएगा। उनको कुछ नहीं करना है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति केवल लिंक को खोलेगी और जिस लड़का का सर्टिफिकेट वहां लोड किया उसका केवल टीआर से मिला लेगा कि टीआर में जो उसको टेबलेटिंग रजिस्टर कहा जाता है उससे मिला लेगा कि हाँ इसमें लड़का का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या जो परीक्षा का ईयर, उनका मार्क्स कितना आया, कितना कितना नंबर आया, सारा चीज को मिला करके टैली कर लेगा और वहां से ओके कर देगा उस लड़का का वेरीफाई हो गया और फिर वहां से तुरंत विभाग में आ जाएगा, विभाग के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दे। ये बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया क्योंकि जो दो साल तीन साल, आज भले दो महीना, डेढ़ महीना, तीन महीना लगेगा लेकिन उससे तो कम से कम अच्छा है, तो इसलिए वो सिस्टम बनाया गया था। दूसरी बात और है सर कि नियुक्ति पत्र, जो नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग को बेचैनी जरूर हो गई है लेकिन उसमें ये अगर सर्कुलर को चेंज भी किया गया है तो हम अभ्यर्थियों के पक्ष में ही किया गया है, हमें अभी बेचैनी है कि नहीं मिला, अभी मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, ये सब चीज है। तो इस तरह का जो चीजें उन्होंने बनाई है वो गलत नहीं बनाया है। और उसमें एक चीज और है, और अगला प्रश्न आपका क्या था सर, थोड़ा सा दोहरा दीजिए, भूल जाते हैं सर, वही इलेक्शन को लेकर हम पूछ रहे थे कि नहीं। इलेक्शन को लेकर के बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो आचार संहिता लागू हो गया या इलेक्शन के अवधि में क्या काउंसलिंग होगी या नियुक्ति पत्र मिलेगा, इस पर जो बहुत तरह की बातें उठ रही है और माननीय शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि अक्टूबर में हम दे देंगे, अब वो अपने आधार पर आपको रोकेंगे भी सर, यहाँ पे रुकेंगे कि जो बार बार न्यूज का मामला ले रहे हैं, अगर न्यूज पे चलना होता तो अभी तक चल गया होता और सभी जगह बट भी तो सब लोग देख भी लिए होंगे, बिल्कुल देख लिए होते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसा सर कैसे संभव, आप हमको एक भी चीज ऑथेंटिक तरीके से थोड़ा सा रूल लगा के हमको ऐसा भी चीज बताइए कि थर्ड काउंसलिंग इस बीच में संभव। एक ही चीज है कि अगर अधिसूचना 24 अगस्त को नहीं आता है तब संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, जैसे 24 तारीख की अधिसूचना जो जारी होगी, आचार संहिता का जो नियम जो बना है उसका जब जारी होगा तो जाहिर है कि उसमें, चूंकि हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, चूंकि बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी जो इन सब मामलों को देखने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं, सार्वजनिक करना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी जिनके विश्वस्त सूत्रों से हमारी जानकारी मिली है कि आचार संहिता अवधि में काउंसलिंग भी नहीं हो पाएगी और नहीं नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। और तो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र भी नहीं मिलेगा और ना ही हमें काउंसलिंग भी होगी। दिसंबर में जब चुनाव, पंचायती जो चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही उसमें दोनों प्रक्रिया पर काम होगी, लेकिन होगी जरूर, ये तो हो रहा है, जो तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी निश्चित होगी और उसमें जो रिक्तियां हैं, जो बची हुई है, जितनी भी रिक्तियां हैं, मैं इस प्रश्न को दोहरा भी रहा हूं बार बार, ये मैं समझिए कि जो रद्द हुआ है वही होगा, जो रिक्तियां रह गई हैं उन सारी रिक्तियों पर भी मौका एक बार दिया जाएगा तीसरे चरण में, उसके बाद ही हम लोगों को आगे के जो नियुक्ति पत्र हो या जो तीसरे चरण में जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय चरण का जो है वो इलेक्शन के बाद ही हमें संभावना लग रही है, जैसे मैं जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। तो इसमें एक चीज और, दूसरी चीज और है कि सर कि आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो उसके बीच में ये सारा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन ये काम हम लोग इस अवधि में कर सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट काम है। ऐसे तो हमारे अभ्यर्थी काफी परेशान है, लगातार कॉल भी आ रहे हैं कि नहीं आंदोलन होना चाहिए, राजेंद्र जी हम लोग गर्दनी बाग में कूद पड़े, हम लोग ये करें वो करें, तो उस पर भी मैं बोलूंगा, उस पर भी मैं बोलूंगा, लेकिन अभी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि एक काम हम लोग कर सकते हैं इस अवधि में, जो चुनाव की अवधि है या आचार संहिता की अवधि है, उसमें एक काम हम लोग इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं कि अगर सरकार काउंसलिंग नहीं करती है या नियुक्ति पत्र नहीं देती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हम लोग सर्टिफिकेट का वेरीफाई करने के लिए हम लगातार संपर्क में रहे और हम लोग रिक्वेस्ट करें कि सर इस अवधि में प्रथम और द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग हुई है उसका सर्टिफिकेट वेरीफाई आप कर लीजिए। सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए आचार संहिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि वह स्थापना में अपलोड है और विभाग को बिहार विद्यालय परिषद समिति यूनिवर्सिटीज को देना है तो वो प्रभावित नहीं होगा। तो उस अवधि में अगर हमारा जो सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा तो जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो 10 दिन के अंदर में हमारा नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो ये काम हम लोग करें। और जहां तक ये मैं नहीं कह रहा हूं कि चूंकि हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, हमारा काम है सरकार पर दबाव बनाना। हम लोग भिन्न भिन्न छोटे छोटे प्रोग्राम करें और छोटे छोटे प्रोग्राम करके सरकार पर दबाव लगातार, जैसे अभी हम लोग 21 तारीख को मैं थोड़ा सा इसी में बता देना चाह रहा हूँ, हालांकि अंत में आपने ये क्वेश्चन बोले कि हम अंत में पूछेंगे। हाँ, अंत में क्वेश्चन होगा कि सर आपको आगे क्या करना है तो हम आगे ही बताएंगे, लेकिन ये चीज स्पष्ट है जो अभी हमें पता चला है विश्वस्त सूत्रों से कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है या जो आचार संहिता, उस अवधि में काउंसलिंग नहीं हो पाएगा और इसके बाद ही काउंसलिंग होगी जब चुनाव समाप्त होगा। नियुक्ति पत्र भी चुनाव के बाद ही मिलने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम करेंगे, बैठेंगे नहीं, हम लोग तो सरकार पर दबाव बनाएंगे और सभी लोगों का विचार विमर्श करके आगे हम लोग काम करेंगे। फिर हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे, इसका जवाब हम अंत में इस वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थियों का कॉल्स भी आते हैं जिनसे, मतलब इससे पहले भी कुछ दिन लगातार फोन वगैरह आ रहे हैं, उनसे भी हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए आप लोगों का अभी नहीं हो पाएगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब वो थोड़ा बहुत हमसे बोलने लगे, सर ऐसे कैसे संभव है। हम बोले कि आप जॉब उनका कहीं था, डॉक्यूमेंट यहाँ जमा हो गया कि वो जॉब छोड़ दिए, जाहिर सी बात है परेशान है जब हमसे दबाव दे रहे हैं कि सर क्यों नहीं मिलेगा, आप ये कर रहे हो। हम बोले देखिए आप लोगों को जो करना है वो कीजिए, हाँ मेरे पास फोन करते हैं या कुछ भी करते हैं न्यूज लेने के लिए ना, तो मेरे नजर में जो दिखता है वो मैं बताता हूँ। हमने आपसे स्पष्ट तरीके से कहा, जितने भी अभ्यर्थी जो वो भी सुन रहे होंगे, जितेंद्र वगैरह जो भी नाम है, तो उनको मैंने स्पष्ट तरीके से कहा कि आप में टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना होगा। और ये चीज स्पष्ट आज वीडियो में हो भी गया। उसके बाद आप लिंक भेजते हैं कि सर ये देख लीजिए। अगर मुझे जानकारी होगा तो मैं अपने चैनल पर क्यों नहीं अपलोड करूंगा उस चीज को। बहुत सारी चीज हम अपलोड नहीं करते, बहुत सारी चीज हम नहीं दिखाते हैं, बहुत सारी चीज नहीं बताते हैं आप लोग। वो सारी चीज अगर मुझे लगेगा कि आपके लिए यूजफुल है तो मैं जरूर दिखाऊंगा। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों पे प्रॉब्लम है, मैं निगेटिव वीडियोस जल्दी नहीं लाना चाहता हूं, इसलिए हम रुके हुए थे, लेकिन आप सभी जानना चाहते हैं ओरिजिनल में क्या कुछ हो रहा है। आज स्पष्ट हो गया, राजेंद्र सर भी स्पष्ट कर दिए, नहीं को होता आगे तर्क वो भी होता। वो जाहिर सी बात है कि आप लोग देखिए, राजेंद्र सर का यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, राजेंद्र सर आगे भी कार्य कर रहे हैं ताकि नियुक्ति पत्र आपका मिले, तो वो लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा, उसमें बताएंगे कि ये कार्य है, कल भी कुछ कार्य है, परसों भी कुछ कार्य है, किस तरीके के कार्य करेंगे वो नियुक्ति पत्र के लिए करेंगे, काउंसलिंग थर्ड फेज का काउंसलिंग कराने के लिए करेंगे, वो तो कार्य होगा ही, लेकिन हकीकत में क्या होने जा रहा है। अगर अधिसूचना आपको 24 अगस्त को आएगा तो निश्चित रूप से ये जो थर्ड फेज का काउंसलिंग है वो प्रभावित होगा और ये प्रभावित दिसंबर तक होगा। यानी जो छठा चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चल रहा है और साथ में ये भी जो चल रहा है, ये दोनों प्रभावित होगा और इसके लिए आपको लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा। इस साल तो आपको संभावना नहीं है कि आपको मिलेगा, क्योंकि 12 दिसंबर तक है, 12 दिसंबर के बाद उसके बाद मतलब सारा सुचारू रूप से फिर से स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड फेज का होगा। जब थर्ड फेज का होगा तो कुछ डेट लगेगा, उसके बाद फिर उनका अपलोड होगा डॉक्यूमेंट, जाहिर सी बात है ये मार्च या फरवरी जनवरी तब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, इतना इंतजार आपको लंबा करना पड़ सकता है। अब सातवें चरण पे आते हैं जो 2021 के हैं, चाहे जो भी दिसंबर के हैं, दिसंबर 2019 के, तीन लोगों का कब होगा, को इसके बाद जो थर्ड फेज है वो लास्ट फेज है, जो भी सीट बचेगा वो सातवें चरण में जोड़ते हुए उसका नोटिफिकेशन आउट होगा, उसके बाद आप लोगों का बहाली प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगा और एस्टेट 2019 का भी उसी समय से चलेगा। तो जो भी मामला है एस्टेट का वो अभी क्लियर कर लीजिए 2019 का, और आपका जो प्रमाण पत्र है वो हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह ले लीजिए, क्योंकि वो भी स्टार्ट होगा आपका अगले साल। अब सर आते हैं आपके प्रश्नों पे, जहां तक सर मेरा कहना है इसमें कुछ गलती हो तो आप जरूर अपनी बातों से काटें जो हमने अभी कहा। नहीं नहीं ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि अगर आचार संहिता में जो भी जो बाधित होने वाला, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बीच में इलेक्शन आ गया, नहीं तो हम लोग को 1 अक्टूबर में रियल में अक्टूबर में हम लोग को नियुक्ति पत्र भी मिल जाता, तीसरे चरण के अगस्त में ये अंतिम सप्ताह में हमें बार बार वीडियो में बोल रहा था, चूंकि
कॉलर, लेकिन जब बात हुई है डायरेक्टर साहब से तो उससे हमें लग रहा है कि ये लोग मैंने आचार संहिता में करने का मूड में नहीं है ये लोग, लेकिन सरकार अगर चाह लेगी, सरकार अगर रिक्वेस्ट करेगी निर्वाचन आयोग से कि हाँ सर हम ये पहले की प्रक्रिया है और इसको हम सुचारू रूप से जारी करना चाहे, उसमें एक चीज और हम लोग को प्लस पॉइंट क्या है कि जो कोर्ट ने, जो आपको पता होगा जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया पटना के जो मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने एक बात बहुत ही स्पष्ट कहा था कि ये प्रक्रिया जितनी जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, तो अगर उसको भी सरकार उस आदेश को भी लगा करके निर्वाचन आयोग से या उसकी जो परामर्श समिति होती है उनसे रिक्वेस्ट करें कि ना हम आचार संहिता में, चूंकि हमारी प्रक्रिया नई प्रक्रिया नहीं चले, दो चरण की प्रक्रिया हो चुकी है काउंसलिंग के, अगर वो सरकार अगर चाहे तो रिक्वेस्ट करेगी और निर्वाचन आयोग, अगर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और उसका परमिशन दे देता है तो हो भी सकता है, लेकिन अभी सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी सजग यहाँ पे आप कहेंगे तो हम कुछ बोलने के लिए आप हमें आजादी देते हैं। अब यहाँ पे हम तर्क करते हैं, एक बात बताइए कि अभी जो चुनाव होने जा रहा मुखिया का है, सरपंच का है, वार्ड का है, ठीक है, इसमें पंचायती राज पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। अब जो मुखिया के थ्रू हो रहा है, अभी आप जहां भी पंचायत स्तर पे जा रहे होंगे काउंसलिंग कराने, क्या वहां मुखिया जी उपलब्ध नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो अध्यक्ष हैं अभी, हैं या नहीं है? है। जब उन्हीं का जब चुनाव हो रहा है, जो समिति गठित है उसके अध्यक्ष हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनका चुनाव हो रहा है, वो सारी चीज रद्द होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेंशन अभी आपका थर्ड फेज हो जाता है, तो हम मानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो विभाग को करना है, लेकिन आपका थर्ड फेज भी होने वाला है, तो किस स्तर पे आपको लगता है कि ये हो सकता है? नहीं, हम तो साफ बोल रहे हैं कि ये नियमता अगर माना जाए तो संभव नहीं है, संभव नहीं। अब आप बताइए कि एक अभ्यर्थी के नाते अभी आगे का आपका क्या प्रोग्राम है? मान लीजिए आप एक अभ्यर्थी भी हैं, आपका सिलेक्शन भी हुआ है, थर्ड फेज भी आपको कराना है, आप अध्यक्ष भी हैं और पूरे बिहार को भी लेके चलते हैं, अब आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे क्या करने वाले हैं जिसके कारण सरकार का ध्यान आप आकृष्ट करें और चाहें कि दिसंबर से पहले नियुक्ति पत्र मिल जाए, साथ में थर्ड फेज हो जाए, जो सच्चाई था वो हमने रख दिया, अब आप बताइए इस पे मामले पे क्या कहेंगे एक अभ्यर्थी के नाते? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि हम जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हो और जो बिल्कुल जो जिनका चयन अभी तक नहीं हो पाया है, वो सारे लोग परेशान हैं, चयनित वाले भी परेशान हैं और जिनका चयन नहीं हुआ वो भी परेशान है कि हमारा थर्ड चरण का काउंसलिंग कब हो और सारी सीटों को भरा जाए, ये लेकर मुद्दा को लेकर परेशान है। जाहिर है कि हम लोग भी परेशान हैं, काफी कॉल आते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो आचार संहिता लागू होगी तो उसमें हमने ये भी इस बात को पता लगाया कि क्या इसमें आंदोलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या आंदोलन अगर हम करते हैं, अगर हम आंदोलन भी करते हैं तो क्या आंदोलन मेरा सफल होगा कि नहीं हो, चूंकि लंबी टर्म मान ले कि दिसंबर तक टाइम है, तो दिसंबर तक तो कोई आंदोलन में नहीं रह सकता है। मान ली कि जो भी हमारे भाई बंधु उतावले हैं, जो देखिए मैं मेरा अनुभव है सर 2017 से मैं देख रहा हूँ, जो ज्यादा उतावला होते हैं व्हाट्सएप पर, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो आते नहीं है और वो आएंगे भी तो आंधी तूफान की तरह आएंगे या चले जाएंगे, एक से दो दिन में उनको हो गया आंदोलन, बाकी हम लोगों को वहां फंसा करके छोड़ देंगे ये लोग। अब हम लोग वहां से उठने के लिए सोचेंगे कि उठेंगे तो बेइज्जती होगी और बेइज्जती होती ही है, लास्ट में जो संख्या कम हो जाता है तो हम लोग को बेइज्जती होती है, बेइज्जती होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि ये आंदोलन हो या नहीं हो, इस पर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, सभी लोगों से राय लेंगे, हम वो काम करेंगे जिससे कि हमें बेइज्जती भी नहीं होनी पड़े और हमारा काम भी हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं और उसमें आचार संहिता 24 तारीख से उसकी अधिसूचना जारी होने वाली है, तो क्या हम इस अवधि में आंदोलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उसके लिए क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं, इन सब चीजों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। तो जहां तक हमें प्रश्न है कि हमें पता है कि आप लोग ये जानते हैं कि जो चुनाव जब भी यहाँ आंदोलन की बात होती है तो जो व्हाट्सएप पर जो व्यग्र होते हैं, ज्यादा बेचैन होते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आते नहीं है, और जो ज्यादा जल्दी जल्दी जो बेचैन होने वाले लोग वो सिर्फ जो है उकसा करके आपको बैठा देंगे, एक से दो दिन रहेंगे तीसरा दिन गायब हो जाएंगे, और बाकी जब हम लोग वहां बैठ जाएंगे तब हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या करें, सरकार इधर भी उदासीन हो जाती है, हम लोग बीच में फंस जाते हैं। तो अभी तो दिसंबर तक लंबी अवधि है, 4 महीने तक अगर आंदोलन में बैठे रहना है हम लोगों के लिए संभव नहीं है,
तो उसमें हालांकि सभी लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा, अभ्यर्थियों से भी विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे हम लोग क्या करें, लेकिन मेरे विचार से आंदोलन करना अभी उचित नहीं है। दूसरी बात और क्या है कि अगर आंदोलन करने के पहले हम लोग छोटी छोटी कार्यक्रम को करें, जैसे अभी शिक्षा मंत्री जी के आवास पर 21 तारीख को यानी कि 21 अगस्त को सुबह 9 बजे तक हर हालत में बिहार की भिन्न भिन्न जिलों से जो महिलाएं हैं, खासतौर से पटना की महिलाएं, सभी लोग आए और वहां एक राखी लेकर के आएंगे। शिक्षा मंत्री के यहाँ हम लोग चल करके राखी हम लोग बांधेंगे, महिला लोग बांधेंगी, और उसके बाद में उनसे ये कहा जाएगा कि सर हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक हमारा जो भावनात्मक जो है अपील भी होगा, और हम लोग भावनात्मक रूप से अपील भी करेंगे और वो भी भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, चूंकि उनको भी पता है कि जब इतनी सजगता के साथ हमारे लिए लोग चिंतित है तो हम भी उनके लिए जरूर चिंतित हों। तो ये हम लोग का एक छोटा प्रोग्राम है। दूसरी दिन 21 अगस्त को 4 बजे से एक हैशटैग किया गया है, ट्विटर महासंग्राम प्रोग्राम रखा गया है, जिस पर ट्वीट करना है, और जो हैशटैग का जो विषय है वो है बिहार टीचर अपॉइंटमेंट, ये सब्जेक्ट है उसका, बिहार टीचर अपॉइंटमेंट। इस पर आप लोग हैशटैग करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको टैग करके मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और भी जो कुछ लीडर हैं उनके, विपक्ष के लीडर उनके नाम से भी, सत्ता पक्ष के भी कुछ हैं उनके नाम से भी टैग करके आप लोग उस दिन 4 बजे शाम 21 अगस्त को 4 बजे शाम से लगातार ट्विटर प्रोग्राम में जुड़िए, और अपने ट्विटर प्रोग्राम के द्वारा ही सरकार को हम लोग अपने मैसेज पहुंचाएं। उसमें वो विषय भी रहेगा जो काउंसलिंग के लिए तो दिया ही, के तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए भी हम लोग मांग हमने लिखित रूप से दे दिया है। तो ये भी आप लोग ट्विटर प्रोग्राम में, चाहे जो चयनित हो चाहे जो चयन नहीं हुआ, जाहिर है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी तो उसमें भी आपका चयन होगा, तो आपको भी नियुक्ति पत्र चाहिए। तो आप लोग सभी लोग मिल करके, चाहे वो दोस्त हो, यार हो, या जो भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब लोग मिल करके इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग आचार संहिता हमें प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन अगर जहां तक आंदोलन का प्रश्न है तो आंदोलन करना मेरे विचार से अभी उचित नहीं है, क्योंकि काफी लंबा समय है, अब उसमें 4 महीने तक हम लोग आंदोलन पर नहीं बैठ पाएंगे, उसमें भी हमारा आचार संहिता में परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तीसरे चरण की जो कोविड की जो बात आ रही है उसका भी हमें देखना होगा, क्योंकि परमिशन के ऊपर निर्भर करेगा, बिना परमिशन के आप गर्दनी बाग में 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर हम लोग सारी चीजों को समीक्षा करके तब हम लोग निर्णय लेंगे, और जब सभी लोग को, बिहार के सभी अभ्यर्थियों, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का जब विचार सहमत हो जाएगा तब हम इस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये मुझे कहना है, छोटे छोटे प्रोग्राम में आप लोग शामिल होइए। जो 21 तारीख को जो कल सुबह में जो आना है इको पार्क सचिवालय के नजदीक में जो गेट है उसके नजदीक में आप लोग जुड़िए, और मुनि जी का नंबर रहेगा, मेरा नंबर से आप कॉल करेंगे, मैं खुद वहां रहूंगा, आप लोग एक जगह एकत्रित होंगे, वहीं से हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ चलेंगे। तो इसके लिए बहुत से यहाँ पे आप अपना नंबर भी बता दीजिए सर, बहुत डिमांड होता है, जिसका भी नंबर याद है आप बता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग इको पार्क जो सचिवालय के नजदीक वाला जो गेट है, शुरुआती जो गेट है सचिवालय, जो न्यू सचिवालय के गेट वाला, उस गेट पर ही रहेंगे, वहां पर एकत्रित होकर के रहेंगे। आप हमें कॉल करेंगे या मुनि जी का कॉल नंबर, दोनों नंबर आपको यहाँ पर वीडियो में डाल दिया जाएगा, दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ एकत्रित रहिए, मेरा मोबाइल तो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है लेकिन मुनि जी का मोबाइल सही रहेगा, उस पर आप लोग बात करेंगे, वहां हम भी रहेंगे, और वहीं से हम लोग पूरे एक संख्या में चलेंगे शिक्षा मंत्री के आवास पर, और वहां चल करके, और जो राखी, रक्षाबंधन के एक दिन पहले हम लोग राखी बांधने का भी प्रोग्राम रखे हैं, वो दिन हम लोग प्रोग्राम रखेंगे। इस तरह से हम लोग काम करें, उसमें आप लोग सफल बनाइए, और खासतौर से पटना की जो महिलाएं हैं वो जरूर आए। अब ये नहीं सोचे, अब आपका नियुक्ति पत्र मिल गया अभी आप घर से नहीं निकलेंगे, अब ड्यूटी करने के लिए, काउंसिलिंग करने के लिए 400-400 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर दरभंगा, मुजफ्फरपुर कहां कहां गई है। लेकिन अगर अपने मांग के लिए अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सचिवालय घूमते घूमते क्या करेंगे जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए हम पूरा हाथ जोड़कर विनती करें कि आप लोग जरूर वहां जुटिए, इको पार्क के गेट नंबर, जो शुरू वाला जो गेट है सचिवालय का गेट है, वहां पर एकत्रित होइए। हम लोग का नंबर, मुनि जी का नंबर इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क करेंगे, और मेरा भी नंबर रहेगा क्योंकि मेरा मोबाइल बंद हो जा रहा है बार बार। फिर भी आप सर आपका नंबर याद होगा ये बता दीजिए, क्योंकि बार बार अभ्यर्थी मांगते हैं, तो आप अपना नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर है 8709567453, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 8709567453।
5353, तो ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर भी संपर्क करेंगे। मुनि जी का नंबर मैं आपको बता दूंगा, वो आप चला देंगे वीडियो में और उसी नंबर पर आप संपर्क करेंगे। इको पार्क के गेट के पास आप लोग आएंगे, बहुत सी महिलाएं ये पूछ रही कि कहाँ आना है, उसके बाद हम लोग वहां पर ग्रुप बना करके हम लोग चलेंगे शिक्षा मंत्री के यहाँ, और शिक्षा मंत्री के यहाँ चल करके उनको रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप हम लोग एक मान सम्मान देंगे सर को, और वहां से हम लोग ये कहेंगे कि सर हम लोग को भी एक जो है नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए और काउंसलिंग का डेट जो है वो जल्द से जल्द इशू किया जाए, जल्द से जल्द तीसरे चरण के काउंसलिंग भी कर ली जाए ताकि प्रक्रिया सर लगातार चलता रहे। ये हम लोगों का छोटा छोटा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से राय लेकर के जैसा विचार होगा वैसा हम करने के लिए तैयार है, हम बिल्कुल तैयार है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये बातचीत जो था राजेंद्र सर के साथ था, कंक्लूजन लास्ट में थोड़ा सा बता देते कि आपको नियुक्ति पत्र या थर्ड फेज के काउंसलिंग के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, होगा सारा चीज होगा लेकिन आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक या अगले साल ये संभव होता हुआ दिखता है। राजेंद्र सर आज आपने हिंदी क्लब को समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।